फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स के सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे और उसमें का हम लोगों ने पहला जो टॉपिक लिया था वो था रेलगाड़ी, और इससे पहले भी मैंने फ्रेंड्स इसका पहला पार्ट अपलोड किया था। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ मैं उसका लिंक दे दूंगा। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी का पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम लोग का जो कुछ क्वेश्चन का जो टाइप बच गया था उसको इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जो छठवां टाइप का क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, यहाँ पास किसको पार कर रहा है, तो व्यक्ति को भी पार कर रहा है और प्लेटफार्म को भी पार कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोगों को सिंपल कुछ भी नहीं करना है, केवल हम लोग को एक चीज याद रखना है। तो क्या याद रखना है, तो एक साइड हम लोग को लिखना है दूरी, ठीक है, एक साइड लिखना है दूरी और एक साइड लिखना है समय। क्या लिखना है, एक साइड समय लिखना है और एक साइड लिखना है दूरी, ठीक है। अब जो जो दिया है उसको यहाँ पास रखना है, ठीक। जैसे कि यहाँ क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पास प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी है यहाँ पे, तो 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और इसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, वो लग रहा है 14 सेकंड, ठीक, यहाँ पास 14 सेकंड लग रहा है इसको समय पार करने में। और दूसरा बात कहाँ है, तो दूसरा किसको पार कर रहा है, वो व्यक्ति को पार कर रहा है। तो व्यक्ति की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, वो कितनी होती है, तो हम लोग को पता है कि उसकी लंबाई दूरी कुछ नहीं होती, मतलब 0 होती है, ठीक है। अब इसको पार कर रहा है तो कितने टाइम में पार कर रहा है, तो वो पार कर रहा है 10 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है, क्लियर, 10 सेकंड में पार कर रहा है पे। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल एक दूसरे से इसको माइनस कर देना है, घटा देना है, मतलब अंतर निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, तो यहाँ पास 50 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 ही बचेगा, और यहाँ पास 14 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग को निकालना क्या था, चाल निकालना था। हम लोग के पास क्या क्या मिल गया, एक मिला हुआ है दूरी और एक मिल गया हम लोग को टाइम, और निकालना क्या है, चाल, ठीक है। तो उसका चाल का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हम लोग का क्या है, चाल का फॉर्मूला है, और हम लोग को निकालना क्या है, उसी रेलगाड़ी की चाल ही निकालना है, तो चाल का फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो मान है उसको भर देना है, तो यहाँ पर दूरी कितना निकाले थे हम लोग, वो निकाले थे 50 क्या है, मीटर में है, तो 50 मीटर रख देते हैं ऊपर में। और समय हम लोग का कितना लगा था यहाँ पे, तो यहाँ पर समय जो लगा था वो लगा था 4 सेकंड, ठीक है, और निकाल क्या रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पास हम लोग का कितना आएगा, 50/4 आ गया हम लोग का, यह चाल है, लेकिन चाल को हम लोग किस में बताएंगे, तो उसको हम लोग को किलोमीटर घंटा में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहाँ पास कितना आया था हम लोग को, 50/4 गुणा, क्या करेंगे अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटे में, तब इसमें क्या करेंगे, 18/5 को यहाँ में गुणा करना है, ठीक है। अब सिंपली इसको कटा देना है, तो 5 × 5 और 5 × 50 और 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10 और 2 × 2 और 2 × 9 = 18, ठीक है। तो कितना हुआ, 9 × 5 = 45, ठीक फ्रेंड्स। इसका आंसर कितना आएगा, 9 × 5 = 45, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर निकल के आ जाता है। हम लोग को ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, अगर बेसिक के हिसाब से करना बैठ गए तो फिर वो तो 10 मिनट तो वैसे खा लेगा, तो उससे अच्छा बेटर होगा कि जो ये फॉर्मूला मैं बताया हूँ आप लोगों को, केवल क्या करना है, हम लोग को दूरी रखना है और समय रखना है और दोनों के बीच डिफरेंस निकाल देना है। तो निकालने के बाद हम लोग को निकालना क्या था फ्रेंड्स, वहाँ पास चाल निकालना था, तो यहाँ पास हम लोग को दूरी भी मिल गया और यहाँ पास टाइम भी मिल गया। लेकिन हम लोग को लास्ट में क्या किया, ये जो वैल्यू दिया हुआ था, ये दिया हुआ था मीटर में था ये, और ये दिया गया था ये सेकंड में दिया गया था, तो इसलिए इसको हम लोगों ने किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट किए, जो कि उसके लिए हम लोग 18/5 से इसको मल्टीप्लाई किए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन मत करिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। हम लोगों का सेकंड टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स वो है, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए कि एक रेलगाड़ी द्वारा दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रहा है, तब हम लोग को कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो क्या क्या बोला गया है यहाँ, तो एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई है 190 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 230 मीटर, और इसकी जो चाल है क्रमशः कितनी है, 35 किलोमीटर और है 55 किलोमीटर,
ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक ही दिशा में जाए तो इसकी जो सापेक्ष चाल जब निकालते हैं हम लोग, तो एक दूसरे से क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रेलगाड़ी की चाल अगर हम लोग मान लेते हैं एक्स है और दूसरी रेलगाड़ी चाल वाई है, तो जब एक ही दिशा में जा रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सापेक्ष चाल निकालने के लिए एक्स माइनस वाई करेंगे। ठीक है, मतलब दो जो भी चाल होंगे उसके चालों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें काम आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक पहले ही फॉर्मूला बताया था, क्या था, समय का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बताया था। तो इसमें है समय बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बटे एक्स प्लस वाई गुणा 18/5। ठीक है, यहां से मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है ये, ए प्लस बी बटे एक्स प्लस वाई गुणा 18/5, ये हम लोग का हो गया ये फॉर्मूला। किसका है, समय का। तो निकालना क्या है हम लोग को, समय निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें जो पहला है वो क्या है, पहली रेलगाड़ी की चाल लंबाई या फिर दूरी चाल। ठीक है, तो वो क्या है, 190 मीटर। तो 190 मीटर पहली रेलगाड़ी की लंबाई है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, वो है 230 मीटर। ठीक है, 230 मीटर बटे एक्स, मतलब पहले गाड़ी की चाल कितनी है, वो है 35 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, सेकेंड की चाल कितनी है, वो है 55 किलोमीटर। ठीक, लेकिन यहाँ पास क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ये विपरीत दिशा में जाती है रेलगाड़ी, एक दूसरे के विपरीत की ओर जाती रेलगाड़ी, तब क्या करते हैं हम लोग उसको जोड़ देते, लेकिन यहाँ पास एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सापेक्ष चाल के तौर पर इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब माइनस करने के बाद क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया गया है वो किस में दिया गया है, एक को मीटर में दिया गया है और एक को किलोमीटर घंटे में दिया गया है, इसलिए यहाँ पास हम लोग क्या लगाएंगे, 18/5 लगाएंगे। बेसिकली देखा जाता है 18/5 क्यों लगाते हैं, पता है कि जो नीचे में जो चाल दिया गया है वो किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, तो सेकंड मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो मीटर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं 5/18 करूंगा। ठीक है, तो यही 18 जो है ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि यहाँ पास बटा है, तो ये जो है हम लोग करेंगे जब सॉल्व, तो ये 18 जो है वो ऊपर में चला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 18/5 लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर का क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये होगा 420 और नीचे का कितना होगा, ये आएगा हम लोगों का 20 आ जाएगा, और इधर इंटू में कितना है, 18/5, इसको लिख देते हैं 18/5। अब इसको कटा देते हैं, जो जो कट रहा है, तो ये कट गया, और 2 + 1 = 2 और 2 = 21 = 42, और अगर यदि इसको हम लोग गुणा करें तो कितना होगा, तो 18 + 18 = 8 = 1, 18 × 36 = 37, मतलब ये हो जाएगा 378। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 5 बचा है उससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, 5 × 5 और 5 × 7 = 35, यहाँ कितना बचा, 2 बच गया, और 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 5 = 25 कैरी, कितना बचा कैरी, यहाँ बच गया 3 दशमलव बढ़ा दिया, कर लिए 1 जीरो बढ़ा दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5 × 31, मतलब जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 75.6। कितना आएगा, 75.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकालना था, वो निकालना था हम लोगों का समय निकालना था, तो इसका समय कितना लगेगा, 75.6 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलते देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का है, वो है जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में जाती हो। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन देखने को मिले तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे, ठीक है, कितने किलोमीटर की स्पीड है, तो वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी को चली, और एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। तो यहाँ क्या क्या निकालना है हम लोग को, पहले निकालना है दूरी और दूसरा निकालना है हम लोग को कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, तो जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाए और उन लोगों का जो चाल है वो क्या है, अलग अलग हो, मतलब कहने का है कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब एक स्टेशन है ए, ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी 8 बजे निकल रही है, 8 बजे निकल रही है, कितना है इसका स्पीड, तो इसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहीं से स्टेशन ए से ही दूसरी रेलगाड़ी वो जा रही है कितने बजे, तो ये निकल रही है 9 बजे, इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक फ्रेंड्स, तो इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये एक घंटा पहले निकल रहा है और एक घंटा ये बाद में निकल रहा है। तो जब रेलगाड़ी जब मिलेंगे आपस में तो वो कब मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 9 बजे के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है, तो हम लोग पहले दूरी निकालेंगे फिर कितने बजे मिलेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जब ऐसी क्वेश्चन आए तो हम लोग को लिखना होगा, क्योंकि दो रेलगाड़ियां यहाँ पास, तो हम लोग को दो दूरियां लिखना पड़ेगा। तो एक दूरी यहाँ हो गया और एक दूरी यहाँ लिखना है। ठीक है, एक दूरी यहाँ, एक दूरी यहाँ। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख देना है। तो यहाँ होता है चाल गुणा समय, ये क्या होता है दूरी का फॉर्मूला है, चाल गुणा समय, और यहाँ भी एक दूरी है तो यहाँ इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, चाल गुणा समय, यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पास हम लोग को चाल है उसको लिखना है, चाल कितना था पहले रेलगाड़ी की, तो वो है 20 किलोमीटर, तो यहाँ लिखना है 20 किलोमीटर। ठीक है, और इसका टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका टाइम जो होगा वो यदि हम लोग एक समाने टाइम को, ठीक है, यदि एक समाने टाइम को, तो ये जो टाइम जो इसके द्वारा लिया गया है पहली रेलगाड़ी द्वारा, तो वो एक घंटा ज़्यादा चल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा इसका टाइम x प्लस वन हो जाएगा। और वही बात करें हम लोग इसकी चाल की, तो यहाँ चाल कितना है इसका 25 किलोमीटर है प्रति घंटा, और जो टाइम होगा फ्रेंड्स वो होगा x, ठीक है, ये क्या होगा इसका टाइम मान लेते हैं x। तो मतलब कहने का है कि ये एक घंटे बाद निकला, तो मतलब इसके द्वारा जो दूरी चली जाएगी वो इसके अकॉर्डिंग कम चली जाएगी, मतलब एक घंटे में ही इसका दूरी चले जाएगी इसके द्वारा। लेकिन जो पहली रेलगाड़ी है उसके द्वारा एक घंटा ज़्यादा जो दूरी है उसको चली जाएगी, तो इसलिए यहाँ पास हम लोगों ने x प्लस वन लिखे हैं और यहाँ पास मैंने x ही लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, समय हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा, तो निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पास हम लोग को निकालना है, तो 20x हो गया गुणा, सॉरी 20x हो गया प्लस यहाँ हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ भी सॉल्व करना है, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 25x। क्लियर, अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, x x साइड में ले आते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा 25x माइनस 20x बराबर, ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 5x और यहाँ कितना है 20 है। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा x बराबर 20/5, फिर यहाँ पास कितना आ गया हम लोग का 4। तो जो x निकाले इसको हम लोग क्या मानते थे, टाइम माने थे, तो यहाँ पास कितना टाइम आया, ये आया हम लोगों का 4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पास कितना टाइम मिला हम लोग को, 4 घंटे। अब यहाँ पास हम लोग को टाइम तो निकल गया 4 घंटे, तो हम लोग को अब क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो जो दूसरी रेलगाड़ी है उसके द्वारा 4 घंटे में कितनी दूरी चली गई है उतनी दूरी होगी इन दोनों इन स्टेशनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पास कितना है 25, तो दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो है 25 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जो गाड़ी जिसका स्पीड अधिक है उसके स्पीड के साथ ये घंटे का यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये दोनों जब मिलेगी दूरी में, जिस दूरी में मिलेगी, तो उस दूरी का यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो यहाँ पास बड़े गाड़ी का जो स्पीड है उसको लेते हैं, और जो टाइम था तो कितने घंटे हैं, 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे इसका गुणा, तो ये 100 किलोमीटर यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 किलोमीटर में ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, और कितने बजे मिलेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 9 बजे के बाद ही मिल रहे हैं, और यहाँ पास कितना टाइम लग रहा है इन लोग को मिलने में आपस में, तो 4 घंटे का समय, मतलब ये हो जाएगा 13 करने का मतलब है कि 1 बजे ये दोनों आपस में मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नया हो फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ यहाँ से उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।